Can you hear me? Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you. You all are the students of June 2022 batch. Am I right? Or of MPS program, Masters of Political Science. सभी आप लोग MPS प्रोग्राम के लर्नर्स ही हैं। Yes, ma'am. आप सबको अपना स्टडी सेंटर पता है? Yes, ma'am. अच्छा, पता है। तो सबसे पहले हम लोग आज ये ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग, जैसा आपको दिख रहा है, मैंने मैसेज किया है आप इंडक्शन मीटिंग अटेंड करने आए हैं, तो सभी को, जितने भी हमारे MPS के लर्नर हैं जिन्होंने जनवरी 2022 में एडमिशन लिया है, उन सबका मैं बहुत स्वागत करती हूँ इस इंडक्शन मीटिंग प्रोग्राम में। और ये इंडक्शन मीटिंग क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है और ये किस तरीके से आगे आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, उन सबके बारे में जो जानकारी अभी मिलेगी, आप जब तक शांति से बैठेंगे और अपना माइक ऑफ रखेंगे जब तक कि आपको बोला ना जाए, या जिन्होंने हैंड रेज करके रखा है वो हैंड डाउन कर लीजिए। और ये लास्ट में 5 to 7 मिनट्स हम लोग सिर्फ आपकी बात को सुनेंगे और आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके हम रिप्लाई करेंगे। तो हैंड डाउन कर लीजिए, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। आप चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर वीडियो ऑन करने से अच्छा है आपके स्क्रीनशॉट्स में फोटोग्राफ्स आ जाते हैं तो वो भी अच्छा रहता है। आप ये सारी एक्टिविटीज जो है उनके वीडियोज अपलोड होने पर भी आप उनको देख पाएंगे, इसलिए अगर आपकी मर्जी और आप कंफर्टेबल हो वीडियो ऑन करने के लिए तो ही आप वीडियो ऑन करेंगे, अदरवाइज आप ऑफ ही रखें उसको। तो इस छोटी सी जानकारी के बाद हम लोग अपनी मीटिंग को ऑफिशियली शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सबको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आप एक इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी के पार्ट हो गए हैं। आप हमारे स्टूडेंट हैं और आपके एडमिशन के बाद ही आप डिस्टेंस लर्नर के नाम से जाने जाते हैं, यानी थोड़ी सी जो स्टूडेंट थे अब डिस्टेंस लर्नर कहने का मतलब होता है कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे थोड़े चेंज हो गए, जो पहले आप एज ए स्टूडेंट पढ़ाई करते हुए अब तक आए थे और कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन में जहाँ पढ़ाई होती है वहां पे जो भी विद्यार्थी होते हैं उनको हम छात्र या विद्यार्थी या स्टूडेंट्स के नाम से जानते हैं। पर हमारे इग्नू में एडमिशन लेने के बाद, चूंकि ये डिस्टेंस मोड की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे डिस्टेंस के माध्यम से ही पढ़ाई होती है, तो जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अब ये बात आती है कि आपको डिस्टेंस लर्नर कहने का क्या मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। डिस्टेंस में आप बैठे हैं, जहां कहीं भी आप हैं वहां तक हम स्टूडेंट को वो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्टडी सेंटर के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, या बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको आपकी किताबों में जो कंटेंट लिखा गया है उससे संबंधित लेक्चर्स होते हैं उनको, उनके वीडियोस डालते हैं या लाइव प्रोग्राम्स होते हैं। तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी या क्लासरूम तक नहीं जाना पड़ता है और फिर भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसलिए आपको हम डिस्टेंस लर्नर के नाम से संबोधित करते हैं। आज की मीटिंग में हम लोग इंडक्शन मीटिंग क्यों कर रहे हैं और ये कब किया जाता है और क्या क्या एक्टिविटीज आपको अपने पूरे एकेडमिक सेशन के दौरान की जानी है, उसके बारे में ये मीटिंग आपको अवेयर कराएगी। अभी एक मिनट में मैं बस आपको छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू मैं आपको आपकी सारी गतिविधियों के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगी और बाकी आपके प्रोग्राम से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो सारे आपके प्रोग्राम गाइड में लिखा हुआ है, जहां जाके आप उसको पढ़ाई करते हैं और पढ़ने के साथ ही आपके नॉलेज में वो सारी चीज जो आपके किताबों से संबंधित है, यानी आपके जो सब्जेक्ट हैं, प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर है, क्या ऑप्शनल है, क्या आपके कोर कोर्सेज हैं, अगर इसमें प्रैक्टिकल है या नहीं है, प्रोजेक्ट्स है या नहीं, वो सारी जानकारी आपको प्रोग्राम गाइड में ही मिलती है। तो जस्ट अ मिनट, मैं तुरंत अपना शेयर कर लेती हूँ स्क्रीन। कोई ये बताएगा, स्क्रीन दिख रहा है? स्टूडेंट आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं?
नो मैम हमको यस मैम यस मैम ओके जिनके पास अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है वो थोड़ी देर वेट करेंगे उनके पास भी ये स्क्रीन शेयर होने लग जाएगी आपको जैसा दिख रहा है कि आप एमपीएस जनवरी 2022 सेशन के स्टूडेंट हैं और आपको इस इंडक्शन मीटिंग के दौरान आपका स्वागत है आप इग्नू विनोद जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ओके किसी ने बोला हाँ हो रहा है अच्छा अच्छा ठीक है आप बताइए ओके थैंक यू यस मैम ओके इंडक्शन मीटिंग क्यों होता है ये क्यों करना चाहिए या हम क्यों ऑर्गेनाइज किए हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अभी मैं आपको दे देती हूँ जनरली ऐसा होता है जब एकेडमिक सेशन हमारा स्टार्ट होता है तो वो पहले दिन हम स्टूडेंट्स को जब अपने पास बुलाते हैं फेस टू फेस मोड में यानी हम और आप जब सामने बैठ के बात करते हैं या आपके स्टडी सेंटर में आपको कॉल किया जाता था या आज के डेट में तो हम ऑनलाइन अभी आप और हम बात कर रहे हैं पर ये जो कॉन्सेप्ट है इंडक्शन मीटिंग की वो फेस टू फेस में जो इंटरेक्शन हम आपस में करते थे उसको ही इंडक्शन मीटिंग कहते हैं ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन के तुरंत बाद जो पहला एक्टिविटी है वही इंडक्शन मीटिंग कहलाता है इस मीटिंग में आप जो रीजनल सेंटर के अथॉरिटीज हैं या आपके स्टडी सेंटर में जो कोऑर्डिनेटर होते हैं काउंसलर होते हैं और साथ में आपका वो पूरा बैच जिसने जनवरी 2022 में एडमिशन लिया है वो सारे लर्नर्स इकट्ठे एक जगह पर बैठते हैं और बैठ के सारी बातों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि कब क्या करना है और क्या नहीं करना है जिससे हमारे ये प्रोग्राम या हमारी जो भी एकेडमिक सेशन में आने वाली बाधाएं हैं वो ना आ सके और उसके बाद चूंकि आप कन्वेंशनल मोड से बहुत अच्छे से परिचित होते हैं और ये नया सिस्टम होता है आपके लिए तो हम ये भी बताते हैं कि आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में किस तरीके से पढ़ेंगे उसका मेथड्स क्या होगा आपके स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज कब कब क्या क्या करनी है और कहाँ आपको कॉन्टेक्ट करना है किस सपोर्ट सर्विस के लिए उसके बारे में भी आपको इंडक्शन मीटिंग के दौरान ही बताया जाता है आपके यहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है जो आप कन्वेंशनल सिस्टम में जैसे क्लासरूम अटेंड करते थे टीचर आते थे और लेक्चर देते थे फिर आप नोट करें या ना करें फिर आप अपने घर की ओर चले जाते थे पर यहाँ थोड़ा डिफरेंट है पढ़ाई का मेथड यहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ही अलग है आपके कन्वेंशनल मोड से ना हमारे पास वैसी टेक्स्ट बुक होती है ना हमारे यहाँ लेक्चर की सिस्टम है पर फिर भी आपको वो सारी सपोर्ट सर्विसेज जो हमें ये लगता है कि आपको मिलनी चाहिए उसका कॉन्टेक्ट प्रोग्राम के थ्रू भी हम उससे आपको अवगत कराते रहते हैं और ये कैसे होता है क्या होता है ये हम आगे के स्लाइड्स में चर्चा करेंगे सबसे पहले जब आप इग्नू में आते हैं तो इग्नू के बारे में आपको कितनी जानकारी पहले से थी और क्या आप जानना चाहते हैं उसके अलावा मैं छोटी सी जानकारी बस इस स्लाइड में लिख डाली है कि आपको ये पता होना चाहिए आपकी ये यूनिवर्सिटी जो है वो पार्लियामेंट एक्ट के तहत 1985 में एस्टेब्लिश हुई थी ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पूरे देश भर में है अक्रॉस द कंट्री इनके स्टडी सेंटर्स हैं हमारे और आप एडमिशन लेते हैं आप जिन जगहों पे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं जिस स्टेट में हैं वहां पे आप अपना रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर चूज करके ही आप अपना एडमिशन लेते हैं पढ़ाई लिखाई का जो माध्यम है यहाँ पे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है ओपन एंड डिस्टेंस कहने का ये मतलब है कि किसी के लिए भी ये शिक्षा ऐसी है कि आप किसी को रोकते नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एज बार भी नहीं है और किसी तरह का कोई बंधन नहीं है यदि आप कुछ भी अगर जैसे आप साइंस बैकग्राउंड के हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि आर्ट्स में एडमिशन ले तो भी हमारे यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आप जो पढ़ना चाहते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग उसका चॉइस करते हैं इसलिए ये सबों के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल है और ओपन है किसी को रोकना नहीं है हमें और मार्क्स का भी ये परसेंटेज कि आपके इतने परसेंटेज मार्क्स होंगे मेरिट लिस्ट आएगी ऐसी कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है
उसके साथ ही कि आप जहां रहते हैं आप अपने पेस के अकॉर्डिंग जितने टाइम आप जब भी देना चाहते हैं, रात को पढ़ सकते हैं, दिन को पढ़ सकते हैं, बस स्टैंड पे पढ़ सकते हैं, ट्रेन में पढ़ सकते हैं, मेट्रोज में पढ़ सकते हैं, तो आप कहीं रह के पढ़ाई कर सकते हैं। आपको आपके कॉलेज में जाकर पढ़ना या आपके स्टडी सेंटर में बैठ के पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपका जो ये यूनिवर्सिटी आपको जो पढ़ाई करवा रही है वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से करा रही है, न सिर्फ डिस्टेंस लर्निंग है। ये डिस्टेंस का मतलब पहले थोड़ा सा था, वो जब आप शुरुआत में ये शुरू हुआ था डिस्टेंस एजुकेशन तो उसको कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन के नाम से जानते थे, पर ये बिल्कुल अब अलग है। इसका ये नया मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको हम ODL सिस्टम कहते हैं। हमारे इग्नू का जुरिस्डिक्शन नेशनल होते हुए ये तो है ही कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हम अपने देश में एलिजिबल है हर जगह स्टडी सेंटर्स खोलने के, पर अक्रॉस द कंट्री के अलावा भी इंटरनेशनली हमारे नेटवर्क हैं जो स्टडी सेंटर के माध्यम से बाहर विदेशों के बच्चे भी उनसे पढ़ाई करते हैं। और इसके लिए एक अलग से इग्नू में डिवीजन है जिसको हम इंटरनेशनल डिवीजन कहते हैं, जिसके तहत ही उनका एडमिशन या उनकी सारी जो एकेडमिक एक्टिविटीज हैं वो रेगुलेट होती हैं। मैम मुझे बुक नहीं मिला था अभी तक, तो पूरी बात सुन लीजिए। फिर मैंने शुरू में बताया था कि 5 मिनट्स के आप लोगों को टाइम मिलेगी, उसमें अगर फिर भी मीटिंग के बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप बात करेंगे, बीच में इंटरप्ट नहीं करिए, नहीं तो फिर बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे, लास्ट में लोग बात कर लेंगे। ठीक है, जिसने माइक ऑफ कर ऑन किया हुआ है उसको ऑफ कर लेना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन आपको शुरू में ही बता दिया जाता है। अब ये यूनिवर्सिटी पूरे देश में कैसे चलती है, इसका नेटवर्क क्या है, तो ये इग्नू मैदान गढ़ी न्यू दिल्ली जो हर जगह आपको लिखा मिलेगा उसका हेडक्वार्टर यानी दिल्ली मुख्यालय जो है हमारा विश्वविद्यालय का मुख्यालय वो न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं हर स्टेट में वहाँ एक रीजनल सेंटर है। जैसे बिहार में अगर आप बात करेंगे तो रीजनल सेंटर पटना और इसके अलावा कि एक हो कई भी हो सकते हैं पर रीजनल सेंटर पटना के आप स्टूडेंट हैं तो पटना में है और कुछ दरभंगा में भी है, अभी तक भागलपुर और सहरसा में 4 ऐसे हमारे बिहार स्टेट में रीजनल सेंटर है। उसी तरीके से अदर स्टेट में भी एक या एक से अधिक रीजनल सेंटर स्थापित होते हैं जो नेटवर्क हमारे स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए स्थापित किया जाता है, यानी आपको दिल्ली पहुंचने की जरूरत ना पड़े, बीच में हम वो माध्यम है जहां से आपको हर वो एक्टिविटीज या आपकी वो परेशानियां उसको रीजनल सेंटर लेवल पे ही हम दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा रीजनल सेंटर के अंदर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी होते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे स्टडी सेंटर्स होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में 1, 2, 3, 4 कुछ भी स्टडी सेंटर हो सकते हैं जो आपका नियरेस्ट होता है और जो प्रोग्राम एक्टिवेटेड होता है जिस स्टडी सेंटर में उसका चुनाव आप एडमिशन के टाइम में करते हैं। तो हर रीजन में स्टडी सेंटर्स की व्यवस्था होती है जहाँ पे आप पहला कॉन्टेक्ट करते हैं, जहाँ आपसे संबंधित या आपके कोई भी ऐसी समस्या है एकेडमिक सपोर्ट के लिए वो सबसे पहले आपको कॉन्टेक्ट करना है स्टडी सेंटर्स में। जैसे अभी मैंने पूछा था कि आपको अपना स्टडी सेंटर मालूम है या नहीं, तो आप सबको ये पता होगा कि आपने क्या चॉइस लिया है, कौन सा स्टडी सेंटर आपने चॉइस किया है, उसके कोड क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये सब पता होगा। अगर ये मीटिंग फेस टू फेस होती तो आप अभी अध्ययन केंद्र पे बैठे होते तो फिर ये बात बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आपको पहले से पता होता। आप सबसे पहले जब एडमिशन लेते हैं तो ये पहला मैसेज इग्नू की तरफ से गया होगा कि आपको इंडक्शन मीटिंग के लिए इनवाइट किया जा रहा है, आप आइए हम मीटिंग करेंगे। इसके पहले आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे होंगे कि अब क्या करना है, एडमिशन तो हमने ले लिया, ऑनलाइन फॉर्म भरे, मेरा कन्फर्मेशन आ गया, अब इसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जैसे ही एडमिशन कन्फर्म होता है आपका, आपको हमारी वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट जोन में जाना है। जैसे आप मेरा होम पेज खुलेगा इग्नू का वेबसाइट जो है ignu.ac.in, वहां जाने पर आपको क्लिक करना है स्टूडेंट सपोर्ट पे। स्टूडेंट सपोर्ट के अंदर ही स्टूडेंट जोन है, स्टूडेंट जोन पे क्लिक करेंगे तो आपसे रिलेटेड आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर आप क्या करना चाहते हैं, कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं या कुछ देखना चाहते हैं आप,
वो सारी जो एक्टिविटीज हैं स्टूडेंट जोन के अंदर में आती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना वेबसाइट जानें और उस वेबसाइट पे विजिट भी करें। सर्टेन इंटरवल्स जैसे आप फिक्स करके रखें, वीकली देख लें या 15 दिनों के अंदर में आप एक बार जरूर विजिट करें, क्योंकि सारे अपडेट्स जो हैं यूनिवर्सिटी के वो वेबसाइट पे डाल दिए जाते हैं। अब आप स्टूडेंट जोन में जाते हैं, या दूसरा ऑप्शन हमारा है कि आपके एडमिशन के साथ जो इनरोलमेंट नंबर दिया गया है, आपको आपका प्रोग्राम भी मालूम है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन एक बार करवाना है इग्नू स्टूडेंट पोर्टल पे। ये दूसरा माध्यम है जहां से आप सारे इंफॉर्मेशन एक जगह ही कलेक्ट करके देख सकते हैं। ये है कि आप इग्नू स्टूडेंट पोर्टल पे अपना इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम के साथ जाएंगे, उसको फिल करेंगे, आप रजिस्टर हो जाएंगे। वहां जाने के बाद आपके सारी सपोर्ट सर्विसेज, जैसे कि आपका SLM, जैसे आपने पूछ रहा था आपकी किताबें नहीं आई हैं, या फिर आपका आई कार्ड आपको डाउनलोड करना है, अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है, कोई नाम में गड़बड़ी है या कुछ एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर आपको चेंज करना है, तो ये सारी चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज उसके अंदर में आती हैं। आप जब वो रजिस्ट्रेशन के बाद खोलेंगे तो वो सारी एक्टिविटीज आपको दिखने लगेंगी, कहाँ से क्लिक करने पे मैं कैसे जाके क्या कर सकता हूँ। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन इग्नू स्टूडेंट पोर्टल पे जरूर कर लें। आई कार्ड को डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए आपको हमेशा ये बताया जाता है कि वो कलर्ड प्रिंट होना चाहिए, और मोटे जो गत्ते वाली जो सीट होती है उस पे आप करवा सकते हैं, या ग्लेज्ड पेपर पे करवा सकते हैं। अगर आपने सिंपल A4 साइज पेपर पे कलर प्रिंट आउट लिया है तो उसको लेमिनेट करा के आपको अपने पास सुरक्षित रखना है। दूसरी बात ये आती है कि आपके पास आई कार्ड तो आ गई, आपको अध्ययन केंद्र भी पता चल गया, रीजनल सेंटर भी पता है, फिर आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है हमारा, जो वो प्रिंट मटेरियल का है। प्रिंट मटेरियल हमारा सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहलाता है। आप एडमिशन के टाइम पे दो ऑप्शन आपको मिले थे, या तो आप ऑफलाइन जो हमारी हार्ड कॉपीज होती हैं वो बुक्स आपको चाहिए, या फिर आप अपने चॉइस से लिया होगा वो ऑप्शन कि आपको डिजिटल फॉर्म में ही बुक चाहिए, जिसके लिए आपको कंसेशन भी दिया गया होगा। अगर हमारे स्टूडेंट ने ये ऑप्ट किया है कि आपको डिजिटल बुक चाहिए, तो वो अपने एड्रेस पे किताबों का इंतजार नहीं करेंगे। बाकी जिन्होंने सेल्फ लर्निंग मटेरियल के लिए हार्ड कॉपीज के लिए चयन किया है, उनके घर पे उनके एड्रेस पे डिस्पैच हो चुका है, कुछ लोगों का डिस्पैच हो रहा है। वो स्टेटस कैसे देखना है आगे में हम लोग बात करेंगे। और एक छोटी सी जानकारी कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल देख के आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए है क्या किताब तो नहीं मिलेगी। ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल इसलिए कहते हैं, इसको शॉर्ट में SLM कहते हैं। सेल्फ यानी आपको खुद से करना है, स्वयं करने की एक्टिविटीज है ये। और सेल्फ लर्निंग मटेरियल हमारी किताबों का ये नाम है। जो बुकलेट्स आपको मिलते हैं उनको जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप और टीचर दोनों आपस में बैठ के बातचीत करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। यानी लैंग्वेज भी उस तरीके से लिखा हुआ है कि आपको टीचर इनबिल्ट इन द बुक्स ऐसा आपको प्रतीत होगा। तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, आपको खुद से पढ़ाई करनी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट सर्विसेज का एक पार्ट है, जिसमें आपको अगर किताबें मिल गई हैं उसके बाद से आपको खुद से पढ़ के हर वो एक्टिविटी करने के लिए अब मोटिवेट होके रहना है। आपको बार बार कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि अब आप ब्लॉक 1 पढ़िए, अब आप ब्लॉक 2 पढ़िए, या आप अपने कक्षाओं में जाइए, वहां पे आपके टीचर्स आके आपको लेक्चर के थ्रू पढ़ाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल को पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको जो डाउट्स है उस डाउट्स को साइड में नोट करके रखें, क्योंकि ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक से अलग है। अगर आपके पास मिल गई है तो आपको अब तक दिख रहा होगा, अगर नहीं मिली है तो आप ई ज्ञान कोश, हमारा जो एक नेशनल रिपोजिटरी है, जितनी भी इग्नू की किताबें हैं उस इस नेशनल रिपोजिटरी में डाल दी गई हैं, जो बिल्कुल फ्री हैं। कोई भी स्टूडेंट ई ज्ञान कोश पे जाके अपने प्रोग्राम का हर वो कोर्स को डाउनलोड करके पढ़ सकता है, जब तक कि उसके पास हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है, या फिर अपनी सुविधा से कि आप कहीं उसको कैरी करके नहीं ले जा सकते हैं तो भी आप वहां जाके ऑनलाइन अपनी किताबों को डाउनलोड करके पढ़ेंगे। और ये जब पेज खुलेगा तो इस तरीके से जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा ही ई ज्ञान कोश है। आप इग्नू ई ज्ञान कोश अगर सिर्फ गूगल पे भी टाइप करेंगे तो भी आप वहां तक पहुंच जाएंगे। एक दूसरा माध्यम आपको डिजिटल बुक्स के लिए है,
इग्नू ई कंटेंट ऐप, इसको भी आप अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं अपने प्ले स्टोर पे, वहां से भी आप इन किताबों को देख सकते हैं। यहाँ जब आप किताब डाउनलोड करने जाएं, अगर आपको अभी तक प्रोग्राम गाइड नहीं मिला है, आपको अपने प्रोग्राम के लिए उन किताबों के साथ ही एक प्रोग्राम गाइड दिया जाता है, यानी आपके प्रोग्राम से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके असाइनमेंट्स के बारे में, या कौन सी गतिविधि कब होनी है, क्या फॉर्मेट्स यूज होने हैं, वो सारे उस प्रोग्राम गाइड में ही लिखा होता है। तो किताबों को पढ़ने के पहले, यानी आपके कोर्सेज जो हैं, जितने कोर्स कोड मिले हैं वो ब्लॉक्स के फॉर्म में होते हैं, कोई भी ब्लॉक पढ़ने के पहले पहला काम आपको करना है, आपको अपना प्रोग्राम गाइड पढ़ना है। उससे आपको आपके सारे कोर्स कोड, कितने कोर्स कोड हैं, कितने क्रेडिट्स के हैं, उसमें क्या पढ़ना है, उसके कोर्स का टाइटल क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। ई कंटेंट ऐप भी बहुत सुविधाजनक है, आपको जब भी चाहे तो आप अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे, कहीं भी इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। स्टडी मटेरियल जो आपका है, जैसे आपको ये पता नहीं है कि अभी डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ है, तो पहला तो हमने बताया था आपको कि आप अगर अपने पोर्टल पे, स्टूडेंट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वहां भी आप अपना डिस्पैच स्टेटस देख सकते हैं कि किताबें डिस्पैच हो गई हैं या आपके घर तक पहुंच चुकी हैं, वो हर वो जानकारी जो है वो आपको स्टेटस में दिख जाएगा। इसके अलावा कि अगर आपने डिस्पैच स्टेटस चेक करने के लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो ये लिंक हमने लिख डाले हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से रख सकते हैं। यहाँ जाने पर डायरेक्ट आपको आपका स्टेटस, आप वहां पे एनरोलमेंट नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। अगर आपको किताबें इसके अलावा स्टेटस पता ही नहीं चलता है, फिर आपके घर तक पहुंचा भी नहीं, तो आप क्या करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये किताबें जहां से डिस्पैच होती हैं उनको आप ईमेल लिख सकते हैं, जो नीचे आप दिख रहा होगा, registrarmpdd@ignu.ac.in। यहाँ आप ईमेल करेंगे। आप यहाँ भी नहीं कर पाते हैं तो सबसे सिंपल रीजनल सेंटर पटना @ignu.ac.in को इन्फॉर्म करिए। आप दोनों में भी लिख सकते हैं, एक जगह आप टू में लिखें फिर कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रीजनल सेंटर से जाएगी कि किताबें आपकी यहाँ रीजनल सेंटर में उपलब्ध है, आप यहाँ से आके ले सकते हैं, तो वो SMS के माध्यम से जाती है। इसलिए आप हमेशा, जब से आपका एडमिशन हुआ है, आप अपने SMS पे ज्यादा ध्यान देंगे। अगर कोई इग्नू मैसेज भेज रहा है तो कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है जो आपको दी जा रही है, इसलिए उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना बहुत जरूरी है। अगर आज के डेट में सबने चेक किया होता तो बहुत सारे स्टूडेंट जो आज अभी अटेंड नहीं कर रहे हैं इस इंडक्शन मीटिंग को, वो सभी ज्वाइन कर पाते। क्योंकि आप व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, पर SMS को लोग अभी बहुत कम देख पा रहे हैं, यानी उनके पास उतना वक्त नहीं होता है कि हर वक्त मैं SMS देखूं। लेकिन इग्नू में पढ़ने के साथ ये बल्क में मैसेजेस जाती हैं हमारे यहाँ से, और बहुत ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स हैं जिनका ग्रुप बनाना अब संभव नहीं होता है। तो सोशल मीडिया के अलावा जो पहला इम्पोर्टेंट हमारा ये है सेक्शन है, वो है SMS भेजने का, और SMS के थ्रू सारे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भेजते रहते हैं। तो आप उसका भी ध्यान देंगे, अगर हमारे RC पटना से कोई मैसेज जाता है कि आपको, आपकी किताबें यहाँ पर आई हैं, इतने आप वर्किंग आवर या अपने जो शेड्यूल टाइम उसमें लिखा होगा, उसके अंदर ही आके आप उन किताबों को रिसीव कर सकते हैं। किताबें भी मिल गई, आपने पढ़ाई करना शुरू भी कर दिया, और पढ़ाई के दौरान आपको फिर भी कि वो उसमें टीचर इनबिल्ट है, बार बार आपसे पढ़ाई के दौरान ही यूनिट्स को पढ़ने के बाद कुछ सवाल भी लिखे होते हैं, जिसको पढ़ के आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ाई की है उसमें कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई है, कितना ज्ञान आपने प्राप्त किया है, उसको चेक करने के लिए कुछ उसमें सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन लिखे होते हैं। उस क्वेश्चन को आप खुद से जवाब देने की कोशिश करेंगे, अगर आप उस जवाब को दे पा रहे हैं तो आप आगे यूनिट को पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आप नहीं दे पाते हैं, इसका मतलब है कि फिर से आपको पढ़ने की जरूरत है, और वो पूरा चैप्टर जो है, वो पूरा यूनिट आप फिर से पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको उन क्वेश्चन के जवाब आने लग जाएंगे। ये पढ़ने का तरीका था। दूसरा, कि इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो आपके लिए कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स यानी काउंसलिंग की व्यवस्था की जाती है। ये हमेशा स्टडी सेंटर्स के जो क्लासरूम्स होते हैं वहां जाके ही ऑर्गेनाइज होता है। अभी जब से कोरोना पीरियड आया है, ऑनलाइन सिस्टम में ये सारे काउंसलिंग जो है वो उपलब्ध होते हैं। धीरे धीरे अब ये ऑफलाइन भी होने लगेंगी या शुरू हो चुकी होंगी। कहीं कोई स्टडी सेंटर अगर ये चाहे, आप या अगर कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, वहां जाकर अगर आप लिखते हैं
डिमांड करते हैं कि मुझे काउंसलिंग चाहिए तो वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी फिलहाल रीजनल सेंटर के माध्यम से जो काउंसलिंग दी जाती है वो ऑनलाइन ही होती है। इसकी जानकारी भी हमारे आरसी पटना के वेबसाइट पे शेड्यूल अपलोड करके और एसएमएस के थ्रू दिया जाता है। अगर आप ध्यान से चेक करते रहेंगे तो आप अपने काउंसलिंग शेड्यूल को देखेंगे और उस सेशंस को अटेंड करने के लिए जो लिंक आपको दिया जाएगा उसको क्लिक करके आप काउंसलिंग सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अभी जो आप सेशन में जाएंगे तो आप कभी भी ये दिमाग में नहीं रखेंगे कि वहां टीचर जाएगा और आपके सारे वो ब्लॉक्स और यूनिट्स को पढ़ाएगा और पढ़ाने के बाद आपसे पूछेगा कि हाँ आपको समझ में आया नहीं आया। आपके जितने डाउट्स हैं वो जाके आप वहाँ पे क्लियर करेंगे। यानी जो स्टूडेंट उस क्लास को अटेंड कर रहा है, कुछ ऐसे जो पहले से टीचर्स को जो काउंसलर होते हैं हमारे, उनको पता होता है कि आपकी समस्या यहाँ पे हुई होंगी, वो अपनी तरफ से पहले कुछ पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको समय देते हैं कि आपको अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर लो। वहां जाके आप अपनी वो सारी समस्याएं जो आपसे वो किताब में लिखी हुई बातों के संबंध में होती हैं, सिर्फ उतनी ही समस्याओं को वो काउंसलर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ काउंसलर इसलिए कहा जाता है कि ये क्लासेस जो है वो काउंसलिंग कहलाती हैं। यानी टीचर्स जो है, टीचर का काम होता है शिक्षा देना पढ़ाना, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, पर एकेडमिक काउंसलर जो है हमारे, जो इग्नू में उनको टर्मिनोलॉजी इनका नाम जो है वो इस तरीके से बोलते हैं कि ये काउंसलर है हमारे, वो कहीं किसी विश्वविद्यालय में किसी कॉलेज के ही शिक्षक होते हैं। यानी उनका डबल रोल होता है यहाँ पे, वो अपने यहाँ कन्वेंशनल मोड में पढ़ाते हैं, इग्नू में जब आते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है एज अ काउंसलर, फिर इनका रोल यहाँ पे चेंज हो जाता है। जिस तरीके से हम अभी आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, वहाँ पहले से आपको पता है कि यहाँ जाके हमको डाउट्स क्लियर करने हैं। हमारे एकेडमिक काउंसलर को भी इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो जाके वहाँ पे क्लासरूम टीचिंग नहीं करते, आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से वो आइडियाज देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करके इन सब डाउट्स को क्लियर कर लेना चाहिए या फिर सपोर्ट में और कौन सी बुक्स आपको रखनी चाहिए अपने साथ। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है असाइनमेंट का। जितने भी आपके कोर्स कोड होंगे, जैसे अभी आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, इस एडमिशन में जो आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल है उसमें 5-6 हो सकते हैं आपके कोर्सेज लिखे होंगे, उस हर एक कोर्स के साथ में एक असाइनमेंट होता है। उस असाइनमेंट के क्वेश्चन को आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है। उस असाइनमेंट को बनाने के लिए जो आपकी ये काउंसलिंग कक्षाएं थी या फिर आपने सेल्फ स्टडी की थी, इनके माध्यम से ही ये सारे असाइनमेंट के प्रश्न जो है वो आप खुद से सॉल्व करते हैं। और इसको लिखने का अपना एक तरीका होता है, असाइनमेंट लिखना और लिख के उसको कहाँ जमा करना है, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपसे शेयर करूंगी और आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसलिए कि इसके जो वेटेज हैं वो 25% जो मार्क्स है आपका वो आपके ग्रेड कार्ड पे असाइनमेंट के माध्यम से ही जुड़ता है। इसके अलावा आपको फिर टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप थ्योरी पेपर्स का एग्जाम देते हैं और उसके बाद जो मार्क्स आता है इन दोनों को जोड़ के उसके 75 थ्योरी पेपर्स के और असाइनमेंट के 25% मार्क्स उसमें जोड़ के ही आपका फाइनल ग्रेड या फाइनल मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड से जो भी मेंशन होता है उसको आप फाइनल मार्क्स समझते हैं। किसी भी एक में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी एक असाइनमेंट में आप फेल हो गए, आपको पास मार्क्स जितना लाना है आप नहीं ला पाए, तो आपको रीसबमिट करने की जरूरत पड़ती है असाइनमेंट में। जिस तरीके से टर्म एंड एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो अच्छे नहीं आते हैं या फिर आप फेल कर जाते हैं, तो आपको एक मौका दिया जाता है कि आप फिर से कई बार भी आप वहां पे जमा कर सकते हैं। पर असाइनमेंट को बहुत ध्यान से बनाना चाहिए, कोशिश ये करना चाहिए कि चूंकि आप घर में पूरी तैयारी से अपने लैंग्वेज में बना के उसको जमा करते हैं तो अच्छे मार्क्स ही आते हैं। By the way, आप हड़बड़ी में अगर आपको टाइम कम है और कुछ गलत ढंग से लिख लिया, कम क्वेश्चंस लिखे हैं, 3-4-5 कुछ भी लिख के जमा कर दिया ऐसे, तो आपके जो इवेल्युएटर्स होते हैं यही काउंसलर होते हैं, वो उसके इवेल्युएशन में आपको अच्छे मार्क्स नहीं देते हैं, तो उसका परसेंटेज कम हो जाने की वजह से आप फेल हो जाते हैं। तो रीसबमिट करेंगे, पर रीसबमिट करते समय ये ध्यान देना है आपको कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो फिर चेंज हो जाएगा। आप जिस टर्म में उसको जमा करेंगे उसको आप दोबारा से लिखेंगे, या फिर अगर आपके पास समय है, अगर आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपने सही ढंग से असाइनमेंट
डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, आपके इवैल्यूएशन के बाद आपको कॉपी रिटर्न कर दी जाती है, तो आप सेम सेशन में फिर से उन क्वेश्चंस के जवाब लिखेंगे। अगर आपके ग्रेड कार्ड पे वो अंक दिखने लग गया है यानी एंट्री हो गई है, तो आपको दोबारा से डाउनलोड करना है नेक्स्ट सेशन का जो स्टूडेंट जिसको बनाएगा, या फिर जिस टर्म में आप एग्जाम देना चाहते हैं उस समय जो लेटेस्ट असाइनमेंट आपके वेबसाइट पे नजर आ रहा है उसको डाउनलोड करके उसके सवालों का जवाब आप बनाएंगे और स्टडी सेंटर में जाके इसको जमा करेंगे। स्टडी सेंटर में जमा करने के साथ ही आप वहां से एक रिसीविंग लेंगे। इस रिसीविंग का फॉर्मेट आपके प्रोग्राम गाइड में होता है, उसको आप अटैच करेंगे। और इसको जमा करने का भी एक तरीका है, क्या इंफॉर्मेशन आपको पहले रखनी है, क्या बाद में रखनी है, और किस तरीके से असाइनमेंट को लिखना है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये डाउनलोड करने के लिए मैंने ये बना दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट रखें या बहुत आसानी से आप ढूंढ पाएंगे इसको। आपको होम पेज पे जाना है, स्टूडेंट जोन में जाना है। स्टूडेंट जोन में जाने के साथ ही आप देखेंगे डाउनलोड्स भी मिल रहा है। डाउनलोड्स में जाने पर बहुत सारी चीजें फॉर्मेट्स भी रहती हैं और बहुत अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन के लिए डाउनलोड्स में पेपर्स डाले होते हैं। आपको असाइनमेंट पे क्लिक करना है। आपका असाइनमेंट जो है आपके सेशन के साथ होगा, यानी आपने जनवरी 2022 में एडमिशन लिया है तो आपके असाइनमेंट के साथ में लिखा होगा कि ये किसके लिए अवेलेबल है, कौन से सेशन के। हो सकता है कोई दो सेशन भी हो साथ में, जनवरी और जुलाई का भी हो सकता है। इसलिए आप अगर दोनों भी सेशन लिखा है तो भी आप उसी असाइनमेंट को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने का दूसरा तरीका भी हमने यहाँ पे डाला है, यहाँ से डायरेक्ट आप असाइनमेंट में ही एंटर करते हैं और वहां से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट अपने साथ रखते हैं। जब भी आप आंसर या रिस्पॉन्स शीट आप जमा करने जाते हैं तो उसको जमा करने के पहले एक फर्स्ट पेज यानी कवर पेज बनाते हैं। कवर पेज पे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, यानी आप पहले लिखेंगे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, फिर आप अपने अध्ययन केंद्र का नाम और कोड लिखेंगे, फिर आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा ये कौन सा कोर्स कोड है, क्योंकि आपके 5-6 अगर कोर्स कोड हैं फर्स्ट ईयर के, या फिर जब आप दूसरे ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें जो कोर्स कोड होते हैं आप कभी भी जमा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट ईयर के सारे असाइनमेंट जो है आपको फर्स्ट ईयर में ही जमा करने हैं। जितनी तैयारी हुई, जितनी पढ़ाई आपने की है और जिसके टर्म एंड एग्जामिनेशन आपको देने हैं उसके असाइनमेंट्स आपको जरूर जमा करना है। अब ये जमा करने के बाद आप जब भी उसको अपने रिसिप्ट को संभाल के रखते हैं, आपको टाइम टू टाइम चेक करना होता है कि आपके ग्रेड कार्ड पे मार्क्स आया या नहीं आया। अगर नहीं आता है तो भी आपको अपने अध्ययन केंद्र पे संपर्क करना चाहिए। अगर वहां से आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि रीजनल सेंटर पे असाइनमेंट के मार्क्स चले गए हैं तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर आप वो उसकी एंट्री हो जाती है और आपके ग्रेड कार्ड पे वो जो दिल्ली मुख्यालय है उसको अपडेट कर देता है। कवर पेज के बाद आपको लगाना है आपका क्वेश्चन जो आपने प्रिंट आउट रखा है, जिस सेशन के क्वेश्चन आपने डाउनलोड किए हैं उसका एक सेट उसमें जरूर लगाएंगे, उसी कोर्स कोड का लगाएंगे। सारे 4-5 लगाने की जरूरत नहीं। जिसके असाइनमेंट आपने बनाए हैं उसके क्वेश्चंस लगाइए और उन क्वेश्चन को भी टिक करिए कि किसके जवाब आपने लिखे हैं। जवाब लिखते समय भी क्वेश्चन जरूर ऊपर लिख देना चाहिए ताकि जो टीचर है आपके काउंसलर को कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि ये जवाब कौन से नंबर के क्वेश्चन का है और ये कितने मार्क्स का है। तो वो भी जरूरी है कि आप मेंशन करें, फिर भी आपको अपना क्वेश्चन उसके साथ में अटैच करना चाहिए। ये पेपर किस साइज का होगा, हमेशा ये दिमाग में होता है कि शायद इग्नू या स्टडी सेंटर जो है आपके वो पेपर्स उपलब्ध कराएंगे। आप खुद के पेपर पे A4 साइज पेपर में या तो वो रूलिंग होगा या फिर वो प्लेन हो सकता है, आपकी आपकी मर्जी। आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे उसमें आप लिख सकते हैं। आपके पास में ये समय कब आएगा जब आपको जमा करना होगा असाइनमेंट। जैसे अभी आपने ये जानकारी हासिल कर ली है कि एक असाइनमेंट जो मैंडेटरी कंपोनेंट है इसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन देने के लिए, तो हर हालत में आपको असाइनमेंट बना के, और आपका एक साल कंप्लीट होगा आप दिसंबर जो हमारा 2022 का एग्जाम होगा उसके लिए आप एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। और दिसंबर में जो टर्म एंड होता है उसको अगर आप लिखना चाहते हैं और लिख के जमा करना चाहते हैं तो आपको अगर आपने कोई भी सेशन हो सकता है, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2020 लिख दिया है, आप 22 वाले अगर स्टूडेंट है तो 30 अप्रैल तक जो जनवरी में एडमिशन लिया है वहां से बनाना शुरू कर देगा, और जो दिसंबर में टर्म एंड देना चाहता है उसके लिए ये सितंबर होता है। यानी
जो जुलाई बैच का स्टूडेंट है वो जून में एग्जाम देगा, जून में एग्जाम देने के लिए 3 महीने पहले वो सबमिट करेगा। जो हमारे अभी जनवरी 2022 के स्टूडेंट्स हैं उनको सितंबर 2022 तक इसको बना के अपने अध्ययन केंद्र पे जमा करना है। ये शेड्यूल आप स्ट्रिक्टली फॉलो इसलिए करेंगे कि आप बाद में अगर सबमिट करेंगे तो फिर अवार्ड्स जो ग्रुप में आते हैं और एंट्री हो जाती है तो उसके लिए फिर आपको कोई चिंता नहीं करनी होती है। सेपरेट अगर डालेंगे तो फिर दूसरे टर्मेंट में चला जाएगा, बाकी उस टर्मेंट के एग्जामिनेशन के पहले जो अपडेट होता है उसमें फिर आपके मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे। इसके बाद आती है बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, वो है एग्जामिनेशन की, जिसको हम यहाँ टर्म एंड एग्जामिनेशन बोलते हैं। और इग्नू 2 बार एक साल में अपना टर्म एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, एक है जून का महीना और दूसरा है दिसंबर का। अभी मैंने बताया था जो जो जून में एग्जाम देना है उनको अप्रैल तक जमा करना है असाइनमेंट, और दिसंबर वालों को सेप्टेम्बर तक। तो ये एक्टिविटीज जो होनी है 2 बार होंगी, और इसके पहले आपकी एलिजिबिलिटी पहले फर्स्ट ईयर की जो जनवरी वाले स्टूडेंट है उनकी दिसंबर में बनती है। अगर आपने दिसंबर में एग्जाम नहीं दिया, यानी आप फॉर्म नहीं भरे या फिर आपकी तैयारी नहीं हुई या कोई भी और कारण हो सकता है, अगर आप दिसंबर में चुक गए हैं एग्जाम नहीं दिए हैं, तो अगला जो हमारा जून का एग्जाम होगा उसके उसमें आप फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। पर री रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराया है सितंबर के मंथ में, आपका ये टाइम आएगा जब आपको पूरा पुनः नामांकन कराना होगा री रजिस्ट्रेशन करके सेकेंड ईयर में जाने के लिए। वो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट होंगे वो 6 महीने में नहीं एग्जाम दे सकते, उनको पूरा अपने उन कोर्स कोड के लिए पूरे वो 1 साल कंप्लीट पढ़ने के बाद ही उसके एलिजिबल आप छात्र होंगे कि आप उसमें एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसका ध्यान रखेंगे, दिसंबर में अगर नहीं दिया तो फिर आप जून में दे सकते हैं या फिर अगला दिसंबर में भी दे सकते हैं। पर जो आप टर्म एग्जामिनेशन आप कंडक्ट कर रहे हैं उससे पहले देखिए आपके कोर्स कोड का 1 साल ड्यूरेशन कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये डेट शीट्स जो हैं वो वेबसाइट पर डाल दी जाती हैं, जैसे आपको ये पता नहीं होता है कि कब टर्म एंड एग्जामिनेशन में मेरा ये पेपर कब आएगा, तो ये एडवांस में चला जाता है, वो टेंटेटिव होता है, उसमें कोई फेरबदल होती है अगर तो बाद में बहुत मामूली होती है, पर ये फाइनली होती है एक तरीके से। वो भी 3 महीने पहले से आपको बता दी जाती है कि डेट शीट आ गई है, उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम फॉर्म भर लेते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि हमारे एग्जामिनेशन का डेट्स क्या होगा और उस डेट्स में आप कहाँ होंगे। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स चुनने के लिए पूरे ऑल ओवर द कंट्री, आप कहीं भी आप जिस समय एग्जाम देने के मंथ में आप जहां रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप सेंटर का चुनाव कर सकते हैं। इसके लिंक भी हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध होते हैं। अगर आप इग्नू वेबसाइट पे जाएंगे उस समय टर्म एंड जो होने वाला है उसका सेशन लिखा होता है और वो हमेशा ब्लिंक करता है या फिर स्क्रॉल में भी आता रहता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आप जिस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं उसके 2-3 महीने पहले से आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे और वहां जाके एग्जामिनेशन फॉर्म के लिंक को क्लिक करके असाइनमेंट सबमिट करने के बाद उसको फिल कर देंगे और उसमें जो चार्जेस लगते हैं पर कोर्स उस कोर्स फी को भी जमा करेंगे वहां पे एग्जामिनेशन फी को, और उसके बाद ही आपके पास फिर हॉल टिकट आएगी जो 15 से 20 दिन पहले अपलोड कर दी जाती है वेबसाइट पे, वहां से डाउनलोड करके आप अपना हॉल टिकट ले लेते हैं। और जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे जाने के लिए आपको उस हॉल टिकट और आई कार्ड के साथ ही जाना इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आपको वहां पे एंट्री नहीं मिलती है। एग्जामिनेशन देने के पहले जो असाइनमेंट सबमिट किए हैं उनकी पढ़ाई तो हो चुकी होती है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखना होता है कि ट्रेंड क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस इग्नू में पूछे जाते हैं, उसके कुछ प्रैक्टिसेस भी आपको करने होंगे। उसके बाद आप एग्जामिनेशन में अपियर होइए और एग्जामिनेशन देने के बाद आपको इंतजार करना है कि अब ये इवेलुएट होगी और 45 डेज के अंदर में इसके रिजल्ट जो है वो आ जाते हैं। आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, 45 डेज यानी 45 दिन, 45 दिन के पहले से ही 1-2 दिन पहले से भी अपडेट्स आने शुरू हो जाते हैं, पर 45 डेज के बाद मैक्सिमम रिजल्ट्स जो हैं आ जाते हैं। कुछ जो बचे हुए होते हैं, जैसे आपको ये लगेगा कि हमारे ग्रेड कार्ड पे कुछ अंक अभी तक नहीं आए हैं, तो उसके लिए 10 से 15 दिन आप वेट करेंगे तो आपका मार्क्स जो है वो अगर इवेल्युएटर ने नहीं सबमिट किया है तो वो भी अंकित हो जाता है। अगर ये ग्रेड कार्ड आपका पूरा हो जाता है, पूरा होने के बाद आपको ये चेक करना होता है कि आप उसमें पास हैं या नहीं है,
कंप्लीटेड वर्ड अगर लिखा हुआ है आपके ग्रेड कार्ड पे, तो आपने सक्सेसफुली इसको जो भी आपने पढ़ाई की उसमें पास मार्क्स आपको आ गए हैं और आप पास कर चुके हैं। पर अगर कम आता है तो टर्म एंड एग्जामिनेशन के दोबारा से आपको एग्जाम फॉर्म भर के उसमें अच्छे अंक ले आ सकते हैं या पास मार्क्स आप ला सकते हैं। इसके अलावा जो सुविधाएं हैं उसमें आप या तो फोटो स्टेट अपनी कॉपी की मंगा सकते हैं, आपको लगता है कि आपने अच्छे आंसर्स किए थे, आपने बहुत ज्यादा अच्छा लिखा था पर वो सेटिस्फाइड नहीं है आप अपने मार्क्स से, तो आप उसको रीचेक भी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको ₹750 पर कोर्स DD बना के ऑनलाइन ही उसको अब करना रहता है, पहले DD के माध्यम से ये किया जाता था ऑनलाइन। ये जो हमारा वेबसाइट है वहां आपको फिर वहां लिंक मिलेगा, आप वहां अप्लाई करते हैं और आपके अप्लाई के अनुसार ही फिर वो कॉपियां जो है वो रीचेक होने के लिए चली जाती हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो फिर से वो पुराने मार्क्स को हटा के और नया मार्क्स अपडेट कर दिया जाता है। इसके बाद फिर आप फोटो कॉपी चाहे तो मंगा के देख सकते हैं कि आपने जो लिखा था उसमें आपके कितने मार्क्स इवेलुएटर ने दिए हैं। ग्रेड कार्ड जो है फाइनल ग्रेड कार्ड जो जब आपके सारे कोर्स कोड जितने क्रेडिट के आपके वो कोर्सेज हैं पूरे प्रोग्राम के दौरान वो सभी जब कंप्लीट होती हैं तो मार्कशीट इशू होता है और वो मार्कशीट आपके एड्रेस पर यूनिवर्सिटी डायरेक्ट भेजती है, उसमें रीजनल सेंटर का कोई रोल नहीं होता है। जब तक कि आपका कोई भी पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है वो मार्कशीट इशू नहीं होता है। अगर आपको चेक करना है कि आप कंप्लीट कर चुके या नहीं तो सबसे पहले आप अपने क्रेडिट्स और कोर्स को देखेंगे, जितने भी फर्स्ट ईयर के कोर्सेज हैं ग्रेड कार्ड पे दिख रहे हैं या नहीं, या सेकंड ईयर में जितने कोर्सेज जिसके आपने एग्जामिशन दिए हैं उनके वो मार्क्स उसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं, तब ये फाइनली आप समझेंगे कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट हो गया और आपके ग्रेड कार्ड पे सारे मार्क्स आ गए हैं और आपकी जो मार्कशीट है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके एड्रेस पे 30 दिनों के अंदर पहुंचा दी जाती है। सर्टिफिकेशन में बस यही है कि आपके सर्टिफिकेट जो आपके घर पे पहुंचेंगे तब तक आपको वेट करना है। ये सर्टिफिकेट आने के बाद आप बिल्कुल ये निश्चित हो जाते हैं कि हमारी परीक्षाएं पूरी हो गई, हमने सही ढंग से कर लिया है। इसके बाद का जो है अगर आप इस मार्कशीट के थ्रू फिर से इग्नू में पढ़ना चाहते हैं या कोई और प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं तो ठीक है, आप चाहेंगे तो यूनिवर्सिटी को छोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी दी जाती है। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए कुछ उसमें भी फीस लगती है, उसको आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी आप अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अब यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आपकी कहीं पे सर्विस हो जाती है जॉब में आपको अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो यहाँ बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे और ये बिल्कुल निःशुल्क होती है और वो आपको हैंड टू हैंड ही बना के दे दी जाती है। अगर पूरी पढ़ाई के दौरान आपको लगता है कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं चढ़े हैं या फिर आपके बहुत दिनों से मार्कशीट प्रोविजनल नहीं आया है, डिग्री में कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आता है और आप आ नहीं पाते हैं रीजनल सेंटर पे या स्टडी सेंटर पे, फिर आपको पता भी नहीं चलता है वेबसाइट्स पे जाने के बाद भी, तो एक ये पोर्टल है आईग्राम जहां जाके आप अपने ग्रीवांसेस को लिख सकते हैं और ये सबसे आसान और सबसे आरामदायक जो एक्टिविटी है कि आप सिर्फ लिखेंगे और बहुत कम समय में 1 वीक के अंदर ही आपको उसके जवाब मिल जाते हैं या आपसे रिलेटेड जो क्वेरी रहती है उसके इंफॉर्मेशन के साथ ही आपके जो समस्या है उसका समाधान करके फिर आपको जवाब दे दिया जाता है। ये बहुत जरूरी है कि आप इग्नू आईग्राम पे जाएंगे, वहां जाके सारे इंफॉर्मेशन जो आपसे मांगे जाएंगे उसको लिखने के बाद आपका पर्सनल डिटेल के बाद आपकी जो समस्या है उसको भी आप एक बॉक्स में लिखते हैं और सही ढंग से लिख के अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ अटैचमेंट लगाना है जिससे हम आपकी समस्या को ढंग से समझ सके या टैकल कर सके तो उसके लिए एक लिंक दिया होता है जिसमें आप वो अटैच करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट जो लिंक है वो हमने यहाँ मेंशन कर दी है, आप इससे डायरेक्ट भी आईग्राम में जा सकते हैं। आपको कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, सबसे पहले जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो आप अपना नियरेस्ट स्टडी सेंटर चॉइस करते हैं, या फिर आप दूर भी होंगे कहीं आप अपने घर या गांव के आसपास में कहीं भी लिया है स्टडी सेंटर तो पहला पॉइंट आपका स्टडी सेंटर है, आपको वहां कॉन्टैक्ट करना चाहिए। अगर वहां से समस्याएं सॉल्व नहीं हुई तो आपको रीजनल सेंटर पटना आने की पहले जरूरत नहीं है, आप एक ईमेल करेंगे rcpatna@igloo.ac.in को
और जो जो भी आपकी समस्याएं हैं वो संबंधित अधिकारी के पास में फॉरवर्ड कर दी जाती हैं और वहां से फिर आपको रिप्लाई दे दिया जाता है या फिर आप कॉन्टेक्ट करके आपके समस्या के बारे में हम बातचीत करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आपको जाना है, जो अपडेट्स यूनिवर्सिटी की आती हैं, जैसे री रजिस्ट्रेशन का डेट आ गया है, उसके लिंक कब तक रहेंगे, डेट कब तक एक्सटेंड हुआ है या फिर डेट खत्म हो चुकी है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी स्टूडेंट तक पहुंचाते हैं। आपको जाना कहाँ है, हमारा रीजनल सेंटर पटना का फेसबुक पेज है, ट्विटर अकाउंट है या इंस्टाग्राम है, उस पर हर दिन कुछ ना कुछ जो एक्टिविटी होती है उसके वीडियोज या फोटोग्राफ्स डाले जाते हैं, वो तो आप देखेंगे ही, साथ में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं उसको भी आप वहां से देख सकते हैं। पर इससे पहले कि आप जब तक फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। तो हमारे रीजनल सेंटर पटना का जो एड्रेस है उस एड्रेस को आप अभी देख सकते हैं, जैसे ये पेज खुलने के बाद ये पेज आपको दिखेगा हमारा होम पेज फेसबुक का। यहाँ जाने के बाद ये जितनी भी एक्टिविटीज हमने अभी बताई है उससे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन हम यहाँ डालते रहते हैं। आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने मोबाइल पे इसको रखें और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए तो उसको आप चेक कर लें, ताकि आप अपना हर काम समय पे ही पूरा करें। ट्विटर के लिए भी यहाँ दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये ट्विटर का आपको ये एड्रेस दिया हुआ है, नीचे ये पेज खुलने पे इस तरीके का दिखेगा। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आरसी पटना का वेबसाइट। जितने भी हमारे शेड्यूल्स होते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड या असाइनमेंट या प्रोजेक्ट या किसी भी एक्टिविटीज के बारे में, हर अपडेट्स को हम वहां पे डालते हैं। पेज खुलने के बाद ये इस तरीके से नजर आएगा, क्योंकि आप अगर रीजनल सेंटर पटना लिखेंगे तो कोई अध्ययन केंद्र वाला भी आरसी पटना के नाम से बना के रखा है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसी में जाके अपना इन्फॉर्मेशन ढूंढें। आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारा है वो ओपन करना है, rcpatna.ignu.ac.in। यहाँ जाने पर भी आपको ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं अबाउट अस से लेके, सारे को एक बार क्लिक करके चेक करिए इसमें क्या डाला हुआ है। उसके बाद फिर आप अनाउंसमेंट में जाएंगे या कोई भी अपडेट जो हम जहाँ डाल रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। इन सारी बातों के अलावा जो भी फैसिलिटीज हमारी इग्नू आपको प्रोवाइड करती है, टाइम टू टाइम हम शेयर करते हैं, वो आप जानेंगे, प्रोग्राम गाइड को पढ़ेंगे, फिर अपने अध्ययन केंद्र पे जाएंगे, वहां भी समस्याएं अगर सॉल्व नहीं हुई तो आप रीजनल सेंटर में आएंगे, और आपको कभी भी इग्नू मुख्यालय दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब तक कि बहुत वर्स्ट कंडीशन नहीं हो। तो अगर आप टर्मिनल एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स करते हुए पकड़े जाएंगे तो शायद आपको जाने की जरूरत पड़े, आपको वहां जाके बताना पड़ेगा कि क्यों आपने ऐसा किया है, आपको डिबार भी किया जा सकता है। इसके अलावा आपको कभी भी इग्नू दिल्ली नहीं भेजती है, आपका ये काम है आप चले जाइए यूनिवर्सिटी जाके वहां से आप अपना करवा के आइए। उसके लिए हम सब यहाँ आपके सपोर्ट सर्विसेज के लिए बैठे हैं, और जब भी कोई समस्या होती है तो आप इन हमारे बताए हुए हर वो चैनल्स को चेक कर सकते हैं, जाके आप वहां पे अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे, या फिर आपको ऐसे भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो भी आप वहां पे जा सकते हैं। अभी जितनी बात हमने बताई है उसके अलावा बहुत सारी चीजें अभी होंगी जो हमने नहीं बताई है, और आपके जो मन में जो सवाल है उसके लिए मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ, हैंड रेज करेंगे और मैं एक एक करके सवाल ले लूंगी उसके